अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अक्सर हमारे घरों में फूल लगे होते हैं, देखिए देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, ये आपको नज़र आए होंगे। और मुझे लगा कि जाहिर सी बात है ये फूड स्टाइल और ट्रैवलिंग का चैनल है, तो वाई नॉट क्यों ना हम कुछ ऐसा भी सिखाएं जो थोड़ा सा ज़रा यूनिक सा भी हो और जो आप घर में कर सकते हो ईजी। तो जाहिर सी बात है आखिर हम सब घर में बहुत ज़्यादा मौजूद थे, तो मैंने कहा चलो कुछ अच्छा सकते। तो ये मेरे जार्स थे नट्स के, जो हम अक्सर सर्दियों में अपने पास रखते हैं, जिसमें हमने ड्राई फ्रूट्स डाले होते हैं या नीम को या बिस्किट्स डाल देते हैं। तो सर्दियों में तो ये चल जाते हैं, लेकिन गर्मियों में इसका ये होता है कि हमें ज़रा खाली हो जाते हैं। तो मैंने कहा क्यों ना कुछ अच्छा करें। तो ये फ्लावर्स का सीज़न था और ये देखें मौसम, बाहर का मौसम, तो मैंने कहा कुछ बेहतरीन कर दिया। ये देखिए जो फ्लावर है ना, ये एक मैंने जो छोटा लिया, बाकी ये जो फ्लावर्स हैं ये सिर्फ मैंने दो छोटे लिए, बाकी ये देखिए ये भी पूरा कम्प्लीट है। और ये देखिए ये जो फ्लावर है ये बिल्कुल अभी मतलब डेड पोजिशन पर आ चुका है। तो मैंने कहा क्यों ना हम इसको सेव करें, और इसका सेव करने का बड़ा यूनिक सा एक अच्छा सा आइडिया था मेरे पास। अच्छा ये कुछ ज़्यादा देर के नहीं रहेगा, लेकिन हफ्ता दस दिन तक ये रूम फ्रेशनर के तौर पर आप यूज़ कर सकते हैं इसको, तो ये काफ़ी है डेट इज़ एनाफ। तो आइए शुरू करते हैं, जिसमें ये मैंने एक वहाँ से इसी तरह का इसका एक ग्रीन ये ले लिया था, ठीक है ये मैंने ले लिया था। और इसके साथ मैंने इसमें पेटल्स डाले, ये देखिए इसमें मैंने पेटल्स डाले। और ये देखिए फ्लावर हमने बिल्कुल सही वाला नहीं तोड़ना, मैं आपको बार बार कह रही हूँ, हमने वो वाला ले लिया जो बिल्कुल देखें ये डेड पोजिशन में आया था, धो के मैंने इस्तेमाल कर रही हूँ, आपने भी धो के इस्तेमाल करना। फ्लावर को हमने टेढ़ा कर टेढ़ा ऐसे, ठीक है, और फिर हम इसको अपने बैग के डाइनिंग टेबल के कहीं पे भी रख सकते हैं, ये डाल दिए, ठीक है ऐसे, ठीक है ना, यूँ करके, ठीक है। एक ही देखिए मैंने इस तरह बनाया था, ये वाला फ्लावर डाला, एक देखिए मैंने इस तरह फ्लावर डाला, और एक छोटा सा ये भी आप अपने कमरे में रख सकते हैं। और ये जार देख लें हमारी वही जो अक्सर हमें बाजार से मिल जाते हैं, इन्हीं जार को आप मिल जाते हैं, बड़ा सिंपल सा थोड़ा सा यूनिक सा, लेकिन ये ज़्यादा नहीं चलेगा, ज़्यादा से ज़्यादा 10 दिन के लिए आप इसको रख सकते हैं। और जब इसके पैटर्न सूखने लग जाएं तो आप इसको अपने ड्राई करके भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अभी ये फ्लावर जाहिर सी बात है डेड हो रहे थे, तो मैंने कहा कुछ इनका यूज़ करते हैं ना कि ये ज़मीन पर पड़े पड़े बिल्कुल ख़त्म हो गए। अब ये देखें मैंने ये जो बाकी के थोड़े से डेड फ्लावर्स थे ज़मीन से उठाए, जो कि बिल्कुल खेल चुका ख़त्म हो चुका हुआ था, मैं इसको भी इसमें डाल रही हूँ, ज़्यादा नहीं डालूँगी। ये देखें कितना फ्रेश कलर है, हम चाहें तो इस तरह का फ्रेश कलर नहीं हम ले सकते, अल्लाह की इस तरह की कुदरत है। और ये देखें ये ग्रीन कलर मैं साइड पे ज़रूर डालूँगी, ये देखें जिसका खाली बच गया मैंने उसको भी रखा है, ठीक है, मैंने कहा मैं इसको भी क्यों खाऊँ। डेकोरेट है आप जैसे मर्ज़ी कर लें, मैंने आपको दो स्टाइल बताने थे, वो दो स्टाइल मैंने आपको बता दी। अच्छा जी अब ये मैं फूल थोड़ा सा बाहर निकाल दूँ दोबारा से ऐसे करके, और इसको मैं ऐसे करके लगाऊँ, नीचे मैं पिंक फ्लावर्स डाल देती हूँ, ये देखिए मेरे बीच रखते रखते ही टूट रहा है, तो ये पिंक फ्लावर्स मैंने डाल दी, आप चाहें तो ये देखिए ऐसे भी रख सकते हैं, अच्छा लग रहा है। ये एक ही फ्लावर्स के हैं, ये पिंक बाद में पिंक हुआ, पहले ये ऑरेंज ही था, ऑरेंज हो के बाद में इसको ये पिंक कलर भी आया, ठीक है अब ये मत समझिएगा ये अलग पौधे का था और ये अलग पौधे का, नहीं ये पिंक ऑरेंज से ये पिंक हुआ है, ठीक है। कुछ ड्राई पेटल्स मैं इस तरह करके रख दूँगी। अच्छा ये मैंने जान के इस तरह रखा है, और अब थोड़ा सा मैं इसको ऐसे छोड़ रही हूँ, ठीक है बड़ा अच्छा लगेगा, इसमें ग्रीन कलर्स भी हैं। और आप चाहें तो वैसे भी कर सकते हैं, और आप चाहें जिस तरह मर्जी आपका, मैं आपको दोनों, ये बहुत ज़्यादा ड्राई फॉर्म में था, ठीक है ये ड्राई होता जाएगा, ये देखिए और ये देखिए एक ही फ्लावर्स हल्का सा, ये देखिए
आपके सामने ये दोनों, आपका जो दिल चाहता है आप उसको बनाएं। मुझे उम्मीद है आपको ये अच्छा लगा होगा। ठीक है, छोटी सी मेरी फ्लावर्स की थी ये देखें। ठीक है, जार आपके अक्सर खाली हो जाते हैं, मेहमान आते हैं फिर वो फूल जाते हैं, तो आप इनको इस्तेमाल करें इसे इन जार में। ये 10 से 15 दिन रहेंगे और उसके बाद आपके बड़े अच्छे से ये रूम फ्रेशनर, एयर फ्रेशनर के तौर पर आपके बाहर गार्डन में यूज़ होंगे। डाइनिंग टेबल पर रखना चाहते हैं, बेडरूम में रखना चाहते हैं, वो टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड, बाय बाय।